हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हम मोबाइल में ही VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बोलकर। यहाँ पर देखो, मैं पहले से ही VS कोड को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब देखो, मैं VS कोड में पाइथन प्रोग्राम रन करूँगा। यहाँ पर देखो, मैं पहले से ही पाइथन प्रोग्राम लिखा हूँ। अब पाइथन प्रोग्राम रन करूँगा, तुम पाइथन प्रोग्राम रन करूँगा। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं मारूँगा मेरा पाइथन का फाइल ak.py। मैं पाइथन 3 बोलकर यहाँ पर मारकर ak.py बोलकर मारूँगा। अब देखो, मेरा पाइथन फाइल यहाँ पर रन हो गया। देखो यहाँ पर आ रहा, देखो हेलो वर्ल्ड अखिलेश रेड्डी बोलकर आ रहा है। देखो यहाँ पर अब मैं इसको मैं क्या करूँगा बोले तो, अब हेलो वर्ल्ड अखिलेश रेड्डी रहता ना, अब मेरे को 5 बार वही आना चाहिए बोलकर यहाँ पर मैं उस कमांड को लिखूँगा। यहाँ पर उसको नीचे लगाकर, हाँ, अब मैं फार लूप को यूज़ कर फार आई इन रेंज बोलकर अब मैं 5 बार पाइथन को रन करूँगा। देखो अब हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसको ऐसा कर अब यहाँ पर कॉलम रखूँगा। अब मैं पाइथन फाइल को रन करूँगा। पाइथन फाइल को रन करने के लिए यहाँ पर मारूंगा मैं पाइथन ak.py। अब तुम्हारे को आ रहा, देखो हेलो वर्ल्ड अखिलेश, 5 बार आएगा। देखो यहाँ पर तुम्हारे को दिखाऊंगा हेलो वर्ल्ड अखिलेश। तुम्हारे को ऐसे ही नहीं दिख रहा तो मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो 5 बार आ रहा है हेलो वर्ल्ड अखिलेश। मैं यहाँ पर उसके सामने नंबर भी डालूंगा, तुम्हारे को नहीं पता बोल तो यहाँ पर डालूंगा .i बोलकर डालूंगा उसके सामने। यहाँ पर डालने के बाद अब रन करूँगा। देखो अब रन करने के बाद हेलो वर्ल्ड अखिलेश 1 अखिलेश 2 ऐसा आएगा। देखो यहाँ पर आ गए। देखो आउटपुट मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड अखिलेश रेड्डी 0, हेलो वर्ल्ड अखिलेश रेड्डी 1 बोलकर आ गए। देखो ऐसे ही तुम VS कोड में पाइथन और HTML CSS JavaScript सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तुम भी VS कोड को मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए बहुत आसान है। पहले तुम VS कोड को मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए तुम पहले टर्मस ऐप रहता ना, उसको इंस्टॉल करो। तुम्हारे पास टर्मस ऐप नहीं बोले तो मेरा लेटेस्ट वर्जन टर्मस ऐप का वीडियो है, उस वीडियो को देखकर तुम टर्मस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आई बटन पर उस वीडियो देऊंगा। अब मैं टर्मस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद तुम टर्मस ऐप को ओपन करो। अब मैं टर्मस को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद अब मैं टर्मस को अपडेट और अपग्रेड करूँगा। यहाँ पर देखो टर्मस को अपडेट और अपग्रेड करूँगा। APT अपडेट मारूँगा, इस कमांड को तुम भी मारो। हाँ, अभी टर्मस को अपडेट होगा। ये देखो टर्मस अपडेट होने के बाद अब मैं टर्मस को अपग्रेड करूँगा। APT अपग्रेड करूँगा, बस इतना ही। टर्मस अपग्रेड होने के बाद मैं अब PKG इंस्टॉल WGT करूँगा। WGET इसको करूँगा। यहाँ पर देखो ये WGET पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, अब मेरा WGET पैकेज इंस्टॉल हुआ। अब इंस्टॉल होने के बाद अब मैं VS कोड को इंस्टॉल करना ना, VS कोड को तुम डायरेक्ट टर्मस में नहीं कर सकते हो। तुम इसलिए तुम टर्मस में Ubuntu को इंस्टॉल करो। तुम डायरेक्ट टर्मस में इंस्टॉल करे तो ऐसा एरर आएगा, तुम्हारे को मैं दिखाऊंगा। तुम VS कोड को डायरेक्ट टर्मस में डाउनलोड करे तो तुम लास्ट में VS कोड को रन करना टाइम तुम यहाँ पर ऐसा एरर आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर exe फाइल ऐसा एरर आएगा। इसलिए तुम डायरेक्ट VS कोड को टर्मस में डाउनलोड मत करो, Ubuntu में डाउनलोड करो। Ubuntu पहले टर्मस में इंस्टॉल करेंगे हम। टर्मस में Ubuntu इंस्टॉल करने के लिए कमांड pkg install proot distro मारो। तुम proot माइनस सिंबल distro मारो, distro ऐसा मारने के बाद ये proot distro पैकेज इंस्टॉल होगा। वो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर देखो, मैं पहले से इंस्टॉल कर रहा था इसलिए बहुत जल्दी आ गया मेरे पास। proot distro पैकेज इंस्टॉल होने के बाद तुम मारो proot माइनस सिंबल distro बोलकर distro लिस्ट बोलकर मारो, बस इतना ही। ऐसा मारो, ऐसा मारने के बाद सारे कौन से को तुम इंस्टॉल कर सकते हो ना, proot distro सारे को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ Ubuntu को इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरे पास पहले से ही Ubuntu इंस्टॉल है, इसलिए इंस्टॉल बोलकर आ रहा है। देखो तुम्हारे पास नोट इंस्टॉल बोलकर आएगा, इसलिए तुम यहाँ पर मारो, तुम proot distro इंस्टॉल बोलकर ऐसा कॉपी करो। कॉपी करने के बाद पेस्ट करो, बस इतना ही। पेस्ट करने के बाद Ubuntu मारो, बस इतना ही। Ubuntu उसके सामने Ubuntu मारो। हाँ, इतना मारने के बाद अब Ubuntu मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए मेरे को ऐसा आएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन Ubuntu इज ऑलरेडी इंस्टॉल बोलकर आ रहा है। तुम्हारे को ये टाइम लेगा, 2 मिनट टाइम लेगा। Ubuntu इंस्टॉल होने के बाद तुम मारो, अब Ubuntu में लॉगिन होना ना, अब तुम ऐसा मारो proot distro login Ubuntu बोलकर। अब पर देखो proot distro login Ubuntu बोलकर इस पर पेस्ट करूँगा। अब तुम ऐसा मारो, ऐसा मारने के बाद लॉगिन होगा Ubuntu में। लॉगिन हुआ बोलकर हम कैसे पता कर सकते बोले तो सामने ऐसा आएगा। देखो root@localhost बोलकर सामने ऐसा आएगा। ऐसा आया तो तुम Ubuntu में है बोलकर तुम समझना। अब तुम VS कोड को Ubuntu में डाउनलोड करो, टर्मस में मत करो। क्योंकि मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ बोले तो, टर्मस में करे तो ये नहीं चलेगा VS कोड, इसलिए तुम Ubuntu में डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के लिए तुम इंटरनेट में जाओ। तुम ब्राउज़र में जाने के बाद तुम ऐसा मारो कोड सर्वर रिलीज बोलकर मारो। ऐसा मारने के बाद तुम्हारे सामने एक GitHub का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, बस इतना ही। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो तुम, हाँ,
उस पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आ रहा है, देखो अब तुम्हारा फिफ्थ लाइन दिखेगा ना, उस पर क्लिक करो। देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कोड सर्वर 4.6.1 वर्जन पर बता रहा है, वर्जन कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स आर्म 64 रहता है ना, उस पर क्लिक करो, बस इस पर क्लिक करो। अब कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करो, बस इतना ही। इस पर क्लिक करने के बाद तुम टर्मस में जाओ, टर्मस में जाने के बाद तुम ऐसा मारो WGET और उस कॉपी कर रहे थे ना उसको पेस्ट करो, बस इतना ही। कॉपी लिंक एड्रेस उसको पेस्ट करो। अब ये डाउनलोड करेगा VS कोड को, ATM भी है उसको डाउनलोड करेगा। अब मैं ये डाउनलोड हो रहा, देखो यहाँ पर, देखो ये डाउनलोड हो रहा, मेरा VS कोड फाइल डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद मैं LS मारूंगा, बस LS मारने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, तुम मारो इसको, ये जिप फाइल है इसको अनजिप करो। अनजिप करने के लिए इस कमांड को मारो, तुम XVM इस कमांड को मारो, बस इतना ही। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के लिए इसको अनजिप करना है मेरे को, हाँ पेस्ट करो। अब यहाँ पर इस कमांड को मारने के बाद ये सारे फाइल को अनजिप करेगा, यहाँ पर देखो ये सारे फाइल को अनजिप करा है, यहाँ पर देखो। अब तुम LS मारो, LS मारने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आ रहा है, देखो अब इस फोल्डर रहता ना, इस फोल्डर के अंदर मेरे को जाना है, अब इस फोल्डर के, यहाँ पर इस फोल्डर देखना, इस फोल्डर के अंदर जाना है, इसको कॉपी करूँगा मैं। अब इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पर देखो पेस्ट करूँगा। CD बोलकर मारो तुम, उसके अंदर जाते, तुम अंदर जाने के बाद तुम LS बोलकर मारो, LS बोलकर मारने के बाद अब तुम CD बोलकर मारो, बिन के फोल्डर में जाना है मेरे को, बिन के फोल्डर में गया। अब बिन फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखो मेरे साथ सामने आ रहा, देखो कोड सर्वर बोलकर, इसको रन करे तो बस। अब मेरे को VS कोड को मैं पासवर्ड रख सकता ना, तुम पासवर्ड भी रख सकते VS कोड को। तुम यहाँ पर मारो EX पोर्ट, हाँ मारो तुम ऐसा, सब में कैपिटल लेटर लगाओ, पासवर्ड, हाँ पासवर्ड लगाने के, पासवर्ड मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 ऐसा पासवर्ड रखना चाहता हूँ। अब मैं पासवर्ड सेट कराऊँ, पासवर्ड सेट करने के बाद अब VS कोड को रन करना चाहता हूँ मैं। अब मैं कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा। अब मैं इसको रन करने के बाद मेरा को बताएगा लोकल होस्ट में VS कोड रन होता बोलकर, यहाँ पर बता रहे, देखो VS कोड लोकल होस्ट और 8080 पोर्ट में रन होता बोलकर हमारे को बता रहा है। देखो अब इसको कॉपी करो तुम, कॉपी करने के बाद तुम क्रोम ब्राउज़र, कौन सा भी ब्राउज़र में तुम जाओ, मैं क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा। मैं क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद मैं वहाँ पर क्या कॉपी कर रहे थे ना, वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, बस इतना ही। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे को VS कोड पर मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड मारूँगा, यहाँ पर देखो मारूँगा पासवर्ड। मैं पासवर्ड मारने के बाद मेरा सामने VS कोड आ रहा, देखो अब यहाँ पर देखो मेरा सामने VS कोड आ रहा है। अब मेरे को VS कोड को ऐसा तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, अब तुम क्या कर सकते बोलो तो न्यू फाइल पर क्लिक करो, बस इतना ही। अब मेरे को क्या करना है बोलो तो मैं ऐसा यहाँ पर मारूंगा, यहाँ पर इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा, फाइल पर क्लिक करूंगा, ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगा, बस एक न्यू फोल्डर को मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब पर मैं इस कोड सर्वर रहता ना उस पर क्लिक करूंगा, उस फोल्डर को, ओके उस फोल्डर को क्लिक करने के बाद मेरा सामने आ रहा, देखो ऐसा आने के बाद तुम इस पर क्लिक करो, इस आइकन पर क्लिक करो, उस पर आइकन पर क्लिक करने के बाद मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा। अब मेरे को एक पाइथन फाइल को क्रिएट करना है, इस आइकन पर क्लिक करूंगा, मैं मारूंगा AK.py बोलकर मारूंगा, AK नहीं AKI.py बोलकर मारूंगा। ऐसा मारने के बाद AKI.py बोलकर मारने के बाद यहाँ पर आ गए, देखो VS कोड में पाइथन को रन करने के लिए एक एक्सटेंशन को तुम डाउनलोड करना चाहिए, एक्सटेंशन को मैं डाउनलोड करूंगा। यहाँ पर मारूंगा सर्च पाइथन बोलकर, यहाँ पर देखो पाइथन बोलकर सर्च मारने के बाद मेरे सामने पाइथन आता, देखो यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ पर देखो आ गए, देखो यहाँ पर इस एक्सटेंशन को तुम डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, बस इतना ही। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर पाइथन को रन कर तुम्हारे को दिखाऊंगा, यहाँ पर ये टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। यहाँ पर देखो मेरा पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल हुआ, देखो अब इंस्टॉल होने के बाद मैं पाइथन को रन कर तुम्हारे को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट बोलकर, लिखूंगा यहाँ पर, लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर सक्सेसफुल्ली VS कोड रन इन मोबाइल, इन मोबाइल बोलकर लिखूंगा, बस इतना ही। अब ऐसा लिखने के बाद अब पर देखो अब मैं मारूंगा, हाँ अब बस पाइथन में सभी कोला नहीं लगा सकते, हाँ अब मैं क्या करूंगा बोलते, इसको पाइथन को रन करने के लिए तुम यहाँ पर नीचे दिख रहा हूँ, देखो इस सिंबल, उस सिंबल पर क्लिक करो, बस इस सिंबल पर, मैं इस सिंबल पर नीचे दिख रहा सिंबल पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, टर्मिनल पर क्लिक करो तुम, टर्मिनल पर क्लिक करने के बाद, हाँ मैं ऑलरेडी मेरा मोबाइल में पाइथन इंस्टॉल है इसलिए तुम ऐसा मार सकते हो, तुम Python 3, तुम्हारे टर्मस में Python 3 इंस्टॉल रहना चाहिए इसलिए रन होगा। अब मैं Python 3 मारकर इस फाइल का नाम देऊंगा AKI.py बोलकर। अब देखो Python कैसा रन होगा, यहाँ पर देखो सक्सेसफुल VS कोड रन इन मोबाइल, यहाँ पर आ रहा ना तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको ओपन, इसको थोड़ा, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ पर देखो सक्सेसफुल VS कोड हुआ है, यहाँ पर VS कोड होना चाहिए इसलिए मैं इसको VS कोड करूँगा, बस इतना ही। अब रन सक्सेसफुली हुआ ना, ऐसे ही तुम पाइथन रन कर सकते हैं VS कोड में, ऐसे ही तुम HTML, CSS, JavaScript, Java,
सारे प्रोग्राम रिएक्ट जेएस को सारे प्रोग्राम को तुम मोबाइल में ही रन कर सकते हो। सिर्फ एक कीबोर्ड तुम्हारे पास, एक कीबोर्ड भी ऐसा ऐसा तुम्हारे को परेशान कर रहा बोलो तो एक कीबोर्ड लगा सकते हो तुम्हारे मोबाइल में, लगा सकते कर सकते। मैं ऐसे ही कर रहा था, मैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट यही वीएस कोड में ही रन कर कर मैं पढ़ा हूँ। ऐसे ही तुम भी करो, तुम ऐसे ही मेरा वीडियो तुम्हारे को अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।